नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको टॉर्क रेंज के बारे में जानकारी दूंगा। हम लोग टॉर्क रेंज के प्रमुख भागों के बारे में यहां पर जानकारी देंगे। अब देखते हैं कि टॉर्क रेंज होता क्या है। किसी भी नट बोल्ट को निश्चित टॉर्क पर टाइट करने के लिए हम लोग टॉर्क रेंज का प्रयोग करते हैं। यह टॉर्क हमें कितना करना है उस नट के साइज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि कितना उसका साइज है। अगर आगे की हम लोग बात करें कि टॉर्क रेंज किसी भी नट बोल्ट में उत्पन्न हुए ट्विस्ट या टेंशन को मेजर करता है। अब देखिए, ये हमारे पास टॉर्क रेंज है। टॉर्क रेंज के प्रमुख भाग के बारे में जानकारी देता हूँ और वह देखता हूँ कि उनके प्रकार कितने होते हैं। टॉर्क रेंज के प्रमुख चार प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो क्लिक टाइप होता है, या प्री सेट टॉर्क भी इसे कहा जाता है। ये देखिए, क्लिक टाइप हमारे पास टॉर्क रेंज है। दूसरा हमारे पास जो रहता है बीम टाइप टॉर्क रेंज होता है। तीसरा हमारे पास रहता है डायल टॉर्क रेंज, और चौथा जो हमारे पास रहता है वो डिजिटल टॉर्क रेंज होता है। अभी हमारे पास जो टॉर्क रेंज है ये क्लिक टाइप टॉर्क रेंज है। क्लिक टाइप टॉर्क रेंज के हम लोग देखते हैं प्रमुख भाग कौन कौन से। सबसे पहला भाग यहाँ से दिख रहा है वर्क इन बोथ क्लॉक वाइज। वर्क इन बोथ क्लॉक वाइज, ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। और ये अकेला काम नहीं करता, इसके लिए आपको सॉकेट सेट को लेना पड़ता है। ये देखिए, ये सॉकेट सेट है, इस तरह हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। और दूसरा वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपको क्लिक कहते हैं, या रैचेट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा होता है स्केल। स्केल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये स्केल है हमारे पास, ये वाला हिस्सा हमारे पास स्केल है। स्केल पे यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है। रीडिंग जो होती है वो दो प्रणाली में हम लोग यूज़ करते हैं, पहला मीट्रिक प्रणाली और दूसरा मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मीट्रिक प्रणाली में जो आता है वो आता है किलोग्राम मीटर या न्यूटन मीटर। किलोग्राम मीटर में या न्यूटन मीटर में हम लोग ब्रिटिश प्रणाली में प्रयोग करते हैं। तथा ब्रिटिश प्रणाली की बात हम लोग करें तो एलवी फुट, देखिए एलवी फुट है, फुट में है, और ये एलवी फुट इंच में है। ये दो प्रणाली हम लोग इस स्केल के ऊपर प्रयोग में लाते हैं। पिछला वाला भाग, ये वाला जो भाग कहलाता है, ये देखिए, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसको मैं रोटेट करके भी दिखाता हूँ। ये टॉर्क एडजस्टेबल नॉब कहलाती है, टॉर्क एडजस्टेबल नॉब। और सबसे आखिरी वाला हिस्सा कहलाता है लॉक नॉब। इस तरह ये इसके प्रमुख भाग होते हैं। अब आते हैं टॉर्क की बात हम लोग करें तो टॉर्क होता क्या है। टॉर्क की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहता है वो आपका टॉर्क होता है। अगर साधारण भाषा में अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, ये हमारे पास कोई भी नट बोल्ट होता है तो नट बोल्ट लगने के लिए हम लोग इसकी कितनी लेंथ है, परपेंडिकुलर इसकी कितनी लेंथ हो रही है, और कितना हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका टॉर्क होता है। टॉर्क नट बोल्ट में उत्पन्न हमेशा टेंशन और ट्विस्ट को ही बताता है। अब मैं आपको इसको मेजर करके बताता हूँ, और साथ में ये भी बताता हूँ कि हर कंपनियाँ अपना अलग अलग टॉर्क देती है, इंजन का टॉर्क अलग देती है, और उसमें जो भी प्रमुख भाग होते हैं उसको वो नाम अलग अलग भाग अलग अलग देती है। ये देखिए, हमारे पास टॉर्क का एक चार्ट है, एक कंपनी का टॉर्क का चार्ट है पूरा। उन्होंने सिलेंडर हेड नट बोल्ट्स का दिया है, कनेक्टिंग राड का दिया हुआ है, और मैन बेयरिंग का दिया हुआ है। इस तरह ये कंपनियाँ, हर कंपनी निश्चित देती है, क्योंकि अगर टॉर्क निश्चित नहीं देंगी, ज़्यादा टॉर्क से होगा तो कोई टूट जाएगा, और अगर कम टॉर्क से होगा तो वो ढीला हो जाएगा। अब हम इसे पढ़ने देखते हैं, और हम सेलेक्ट करते हैं इसमें, देखिएगा, मेन बेयरिंग का हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं 156 न्यूटन मीटर। हमारे पास देखिए यहाँ पर ये टॉर्क रेंज है। टॉर्क रेंज में हम लोग देखेंगे न्यूटन मीटर में हमें 156 पर करना है। तो न्यूटन मीटर में जो स्केल इसका शुरू हुआ है वो 50 से स्टार्ट हुआ है। देखिए 50 से, 50 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 50 के बाद देखिए 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 100, यहाँ तक का डिशन। 100 के बाद ये देखिए 150 यहाँ पर दिख रहा है। 150 के बाद हमें जो मेजर करना है, तो एक लाइन है इसकी, वो 5 की है, और हमें जो मेजर करना है 156 हमें यहाँ पर करना है, 156। तो अब इसे पीछे की तरफ देखिए, ये लॉक नॉब है, इस लॉक नॉब की सहायता से हमें घुमाना है। यहाँ पर नहीं घूमता, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, इसे आपको पीछे से लॉक नॉब की सहायता से आगे की तरफ देखिए बढ़ाना है। तो जो मेन स्केल है इसके ऊपर हमारा जो एडजस्टेबल टॉर्क एडजस्टेबल स्केल है वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। देखिए न्यूटन मीटर में हम 156 कर रहे हैं, अभी हमारा 100 आया, ये देखिए 100 से और ऊपर जाते हैं हम लोग, इसको बढ़ाते जाते हैं, ये देखिए धीरे धीरे करके,
ये देखिए अभी 150 और ये आपका 155 और 55 से एक थोड़ा सा ये, और इसको इस तरह हम लोग लॉक कर देते हैं। अब हम लोग सॉकेट की सहायता से इसे मेजर करते हैं। जब तक हम लोग मेजर करेंगे जब तक कि यहाँ पे क्लिक की आवाज़ ना आ पाए, क्लिक की आवाज़ ना आए। देखिए होल्ड टाइट करने के बाद ये जो क्लिक की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर ये पूरा पूर्णतः रूप से हमारा टॉर्क कंप्लीट हो गया है। इस तरह मेरे द्वारा अगर आपको जानकारी जो टॉर्क रेंज की दी गई है, अगर आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जी।